हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे आयंस के बारे में। तो आयंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, ये हमने जाना था। पिछला वीडियो देखा होगा तो आप सबको समझ में आया होगा। आज हम उसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। तो इस टेबल में देखिए, पेज नंबर 42 के टेबल में आपको इस तरह से कुछ आयन दिए हुए हैं, ठीक है। किस तरह के आयन में पॉजिटिव है, किस तरह के आयन में नेगेटिव है, कैसे आया है ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज फिर बता रही हूं। तो देखिए, सोडियम, सोडियम के ऊपर में लगा है प्लस, ठीक है। अब प्लस कैसे लगा है, अब देखो, मान लीजिए सोडियम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि एक तत्व में जितना प्रोटॉन होता है, उसके परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब मान लीजिए उसके पास 5 प्रोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनमें से इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 5 इलेक्ट्रॉन में से इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 बचे। आपको मैं डायग्राम की मदद से सिखाती हूँ। तो मान लीजिए सोडियम का जो परमाणु है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन को मैं पी से दिखा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन को मैं ई से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे। हमेशा मैंने बताया था कि किसी एक परमाणु में, किसी भी तत्व का परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसमें 5 है प्रोटॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आपके 5 है। अब मान लीजिए इसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व को दे दिया, मान लीजिए क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो एक अगर तत्व दे दिया तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 बचे, क्योंकि एक तो उसने दे दिया अपने से, तो बचे 4। अब प्रोटॉन तो उतने ही थे, लेकिन देखो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई ना, प्रोटॉन की संख्या हो गई 5 और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 4। तो इसमें अभी जो सोडियम का परमाणु है वो किस तरह का दिखाएगा, पॉजिटिव दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा हो गया। कैसे ज्यादा हुआ, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, अपने में से निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन, खो दिया, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सोडियम है वो पॉजिटिव बन गया, समझ में आ रहा है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिर्फ एक, इसलिए सिर्फ प्लस आया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे देखो +2 दिया है, +3 दिया है, इसका मतलब क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 से बढ़ गई। कैसे, देखो फिर से मान लीजिए कि मैग्नीशियम का भी हमने प्रोटॉन 5 लिया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, प्रोटॉन 5 लिया, 5 था हमारा। अब इलेक्ट्रॉन भी हमने 5 लिया। अब देखो इसमें पॉजिटिव 2+ कैसे आया, मतलब 2+ कैसे आया, इसका मतलब इसने प्लस, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, कितना दिया, 2 दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 3, और प्रोटॉन कितना बचा हमारा, 5 का 5 ही तजा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितना गुणा ज्यादा है, 2 गुणा, है ना, 2 ज्यादा है, प्रोटॉन 2 ज्यादा है हमारा, प्रोटॉन 5 है और इलेक्ट्रॉन 3 है, तो इसलिए हमारा यह 2 गुना पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसलिए 2 आ गया, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन 2 गुना ज्यादा है इसलिए इसमें 2 लग गया। 2 कारण से हो सकता है ये, ठीक है, 2 कारण से यहाँ पे 2 लगा है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया इसलिए भी 2 लगा, और साथ में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में 2 ज्यादा है इसलिए 2 लग गया। समझ में आ रहा है किस तरह से 2 लगा, वैसे ही 3 में 3 दिखाएगा, 3+, इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को। तो यहाँ पे प्रोटॉन की मात्रा हमारा 3 गुना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, किसी को दे दिया तो 3 गुना ज्यादा है इसलिए 3, ठीक है। वैसे ही हम नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो नेगेटिव की बात करें तो देखो क्लोरीन को यहाँ पे दिखाया गया है कि इसने
सोडियम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया। तो मान लीजिए क्लोरीन के पास पहले, इसके पास भी पांच प्रोटॉन थे और पांच इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इसने लिया अपने पास, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, मतलब ये ऐड हो गया, ठीक है ना, ऐड लिख देती हूँ, प्लस नहीं दिखाती हूँ, कंफ्यूज खा जाओगे। तो ऐड हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल छः। और आपका प्रोटॉन कितना था, वो तो पहले से पाँच था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण एक एक्स्ट्रा है, इसलिए ये नेगेटिव दिखा रहा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पावर ज़्यादा है, इसलिए ये क्लोरीन हमारा नेगेटिव दिखाता है। अब कुछ नहीं है यार, इसका मतलब वन, इसने मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। वैसे ही अगर माइनस टू होता तो इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन लिया है खींचकर, ठीक है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो ज़्यादा नेगेटिव बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो आप इस टेबल को थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये आपके बहु परमाणु आयन है, मतलब दो तीन परमाणु मिलकर एक साथ जो आयन बनाते हैं वो आयन है। तो ये भी कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कीजिएगा, ठीक है। ये चीज आप याद कर लीजिए, तब आपको सॉल्व करने में इजी होगा। अब नेक्स्ट देखो, हम देखेंगे यौगिक। यौगिक क्या होता है, जो अलग अलग तत्व से मिलकर बनता है। तो वह अलग अलग तत्व से मिलकर किस तरह से वो एक यौगिक बनाता है, हम वो देखेंगे। अब उदाहरण के लिए देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस होता है। हाइड्रोजन का हम परमाणु किस तरह से लिखते हैं, आयन किस तरह से लिखते हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का हम प्लस लिखते हैं। इसका मतलब इसने अपने से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस है, कुछ नहीं है, इसका मतलब वन है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। अब क्लोरीन था साथ में, क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन ने माइनस वन, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की अदला बदली की, इसने दिया इसने ले लिया, ठीक है। तो इसलिए हमारा बन गया HCl, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। तो फॉर्मूला भी आपको याद होना पड़ेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग हमेशा H2S लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं, देखो हाइड्रोजन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए हमने उसको वन लिखा नीचे में। जो सल्फर है, ठीक है, यहाँ पे यह सल्फाइड है, तो सल्फाइड है वो आयन कैसा होता है, देखो देखो सल्फाइड के पास हमेशा आयन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और टू नेगेटिव होता है, इसीलिए आपको ये चीज याद होना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप फॉर्मूला को एग्जैक्ट लिख सकते हो। तो हाइड्रोजन का वन रहता है और सल्फाइड का माइनस टू, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका अदला बदली करेंगे तो क्या होगा, H2S बन जाएगा। हमें सिंपली क्या करना है, अदला बदली करना है, जिसका जो आयन है उसको हम अदला बदली करेंगे, ठीक है। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब क्या होता है, चार होता ना, मोनो बाय ट्राई टेट्रा, मोनो मतलब वन, बाय मतलब टू, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, टेट्राक्लोराइड बोला है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड का चार बनेगा, है ना, फॉर्मूला तो यही बनेगा, नाम के हिसाब से तो यही हो रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, चार क्लोराइड। अब कैसे बना, दरअसल जो कार्बन है वह चार इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जो क्लोरीन है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हमने लिखा, ये बात याद किया हमने, और उसने अदला बदली की, तो इस तरह बन गया। दरअसल ये चार कहाँ से आया, ये चार कार्बन से आया। वैसे ही यहाँ पे टू कहाँ से आया, ये टू सल्फर से आया, एच टू में, एच तो हमेशा वन इलेक्ट्रॉन ही देता है, तो इसमें टू कैसे आया, दरअसल वो सल्फर का था, इन्होंने अदला बदली की। इसी तरह से अदला बदली कर कर इन लोगों ने एक सरल यौगिक का सूत्र बनाया है, ठीक है। इसको लिखने के लिए, इसको जानने के लिए आपको ये टेबल याद होना जरूरी है। इस टेबल में कुछ दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं, तो आपको कुछ एग्जांपल में मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ये टेबल याद करना है, उसके बाद मैंने यहाँ पे दो तीन उदाहरण आपको सिखा दिए हैं, आपको बाकी उदाहरण भी देखना है किस तरह से किया है इसने। बाद जाके, उसके बाद जाके पीछे इस तरफ पेज नंबर 44 पे कुछ क्वेश्चन से देखिए, इसको आप लोग ट्राई कीजिए और हमें दिखाइए, ठीक है।